देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की नारायणपुर की खबर के साथ। 8 से भी ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। मारे गए नक्सलियों की संख्या 8 से ज्यादा भी हो सकती है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सर्चिंग अभियान का चौथा दिन है। डीआरजी एसटीएफ आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। सर्चिंग अभियान में 900 से भी ज्यादा जवान शामिल हैं। अबू झमाड़ के कुतूल फरस बेड़ा कोड़ता मड़ता क्षेत्र में ही मुठभेड़ हो रही है। तो 8 से भी ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की खबर मिल रही है। नारायणपुर में मारे गए नक्सलियों की संख्या 8 से ज्यादा हो भी सकती है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी चल रही है। सर्चिंग अभियान का चौथा दिन है। डीआरजी एसटीएफ से लेकर आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। तमाम ऐसे जवान हैं जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। खेम नारायण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, मुठभेड़ को लेकर क्या अपडेट? जी देखिए, अभी भी जो है नारायणपुर के कोकामेटा थाना क्षेत्र की ओर जो है जो पुलिस नक्सली मुठभेड़ चल रहा है। इस पुलिस नक्सली मुठभेड़ में कई जिलों के जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो वहां पर शामिल हैं और काफी दिनों से, 4 दिनों से जो है उस क्षेत्र में जो है सर्चिंग अभियान चालू है। कल भी जो है सर्चिंग अभियान के दौरान जो है आईडी ब्लास्ट होने से 2 जवान घायल हुए थे और आज जो है जो मुठभेड़ जारी है वहां पर 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है और अभी भी जो है वहां पर मुठभेड़ रुक रुक कर चल रही है और हो सकता है अभी जब तक सर्चिंग पार्टी वहां से बाहर निकलकर नहीं आएगी तब तक वहां से स्पष्ट जानकारियां नहीं मिल पाएगी। लेकिन मुठभेड़ को लेकर जो है अधिकारियों ने पुष्टि की है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि नक्सलियों को बड़े तादाद में वहां पर हताहत मिली है। बहुत बड़ा नुकसान जो है नक्सलियों को झेलना पड़ेगा क्योंकि वो एक माड़ एरिया है। उस माड़ एरिया में ही नक्सलियों की पैठ है और उस पैठ में जो है मांड में जो है ये 900 से लगभग जो जवान है वो घुस चुके हैं और काफी बड़ा नुकसान जो है नक्सलियों को इस मुठभेड़ में हुआ है और एक बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बल के जवान और पुलिस के जवानों को मिली है। जी बहुत शुक्रिया केम नारायण जानकारी साझा करने के लिए। मुरैना में